सबको मेरी तरफ से नमस्ते। आज मैं आपको लू से बचने का, लू उतारने का एक रामबाण उपाय बताऊंगी, जिसके करने से एक बार में ही आपको फायदा दिख जाएगा। ये एक अजमाया हुआ नुस्खा है। तेज धूप या तेज तापमान में अधिक देर तक रहने से शरीर का तापमान भी कई बार ज्यादा हो जाता है, जिससे तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, दस्त आदि की शिकायत हो जाती है। लू से बचने के कई घरेलू इलाज हैं, जैसे कच्चे आम का पना, बेल का शरबत, नींबू की शिकंजवी, छाछ, नारियल पानी, ठंडाई, प्याज आदि से बहुत फायदा होता है। पर आज मैं आपको लू उतारने का एक रामबाण उपाय बताऊंगी, जिसके एक बार करने से ही आपको फायदा दिख जाएगा। ये एक अजमाया हुआ नुस्खा है जो मैं कई पेशेंट के ऊपर अजमा चुकी हूँ, और ये मुझे एक डॉक्टर साहब ने ही बताया था। करना ये है कि जो भी रोगी है, पेशेंट है, उसको सुबह के समय, सूरज चढ़ने के समय या शाम के समय सूरज की तरफ मुंह करके खड़े कर लेना है, और एक सूप लेना है। ये सूप जिसमें गेहूं साफ करते हैं, ये सूप। अगर ये सूप आपके पास नहीं है तो एक टॉवल, छोटे वाला ये टॉवल भी ले सकते हैं। ये टॉवल लिया, इसको पानी में भिगो लिया, या ये सूप के ऊपर बहुत सारा पानी डाल लिया। पेशेंट हमारे सामने खड़ा है और उसके ऊपर हमने तीन बार ऐसे करके छींटे देने हैं, तीन बार जोर से छींटे देने हैं। उसको ऐसे होना चाहिए, इससे लू उतर जाएगी। आप खुद आजमा कर देखिए, आपको जरूर इससे फायदा होगा। और बहुत अच्छा ये नुस्खा है, मैं तो बहुत पेशेंट के ऊपर इसको अजमा चुकी हूँ। सुबह शाम सुबह इसको करना है, और एक बार करने से ही आपको इसका फायदा दिख जाएगा।